देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार की ओर से खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश की तैयारी के बीच इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में पाम तेल आने से जल्द ही इनकी कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। तेल व्यापारियों का कहना है कि देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार होगा और आने वाले हफ्तों में उनकी कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया ने भारत को 2,00,000 टन कच्चा पाम तेल भेज दिया है। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि इंडोनेशिया द्वारा कमोडिटी पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद सोमवार को भेजी गई खेप इस सप्ताह के अंत तक भारत पहुंच जाएगी और 15 जून तक खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। ऐसे में कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को 15 जून के बाद ही मिलना शुरू हो पाएगा। घरेलू खाना पकाने के तेल की कीमतों में वृद्धि से चिंतित इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को पाम के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इंडोनेशिया ने प्रतिबंध 23 मई को समाप्त कर दिया। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि हाल ही के हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सभी प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी आई है, लेकिन जब से भारतीय रुपये में गिरावट आई है उपभोक्ताओं को कीमतों में नरमी का लाभ नहीं मिल पाया है। उद्योग का उम्मीद है कि आपूर्ति बढ़ने से 2022-23 की दूसरी छमाही में पाम तेल की कीमतों में क्रमिक रूप से कमी आने लगेगी। भारत लगभग 1.3 करोड़ टन खाद्य तेलों का आयात करता है, जिनमें से लगभग 85,00,000 टन पाम तेल है। इसमें से लगभग 45% पाम तेल इंडोनेशिया से और बाकी मलेशिया से आता है। पाम तेल का इस्तेमाल खाने के साथ साबुन और शैम्पू जैसे सौंदर्य प्रसाधनों में बड़ी मात्रा में होता है। ऐसे में यदि पाम तेल की कीमत में गिरावट आती है तो इन उत्पादों के दाम घटने तय हैं। हाल ही के दिनों में कई FMCG कंपनियों ने लागत बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा किया था। बिस्कुट और चॉकलेट के साथ चिप्स और अन्य पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। इन उत्पादों के दाम पिछले एक साल में 25-30% तक बढ़े हैं। कई कंपनियां फिर से 7-10% दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पाम तेल सस्ते होने से उन्हें उत्पादों के दाम कम करने पड़ेंगे। अब पिछले दिनों उद्योग जगत ने पाम तेल का पेंट निर्माण में इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी। पाम तेल का पेंट उद्योग में 23% का इस्तेमाल होता है। कीमतों पर अंकुश के लिए पेंट क्षेत्र में इसका इस्तेमाल घटाने की मांग हो रही थी। हालांकि अब आयात शुल्क घटने और इंडोनेशिया से सस्ते पाम तेल के आयात से पेंट उद्योग की लागत भी घटेगी, इससे पेंट की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।